हाउ टू डाउनलोड लेबर कार्ड इन J&K ऑनलाइन। हेलो गाइस, वेलकम टू मैथलेस टेक चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप ऑनलाइन लेबर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से लेबर कार्ड फिजिकल कॉपी में है तो आप कैसे ऑनलाइन ई कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास लेबर कार्ड नहीं है तो आप आई बटन पे वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले गूगल में सर्च करेंगे, गूगल क्रोम अगर आपके पास है, इस तरह से आप jkbocw.gov.in वेबसाइट पे आएंगे। दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पर कोई चेकबॉक्स आता है सर्टिफिकेट का तो आपने कैंसिल पे क्लिक करना है, अदरवाइज आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे साइट को। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास पहले से यूजर आईडी है तो हम कंस्ट्रक्शन वर्कर विद लॉगिन आईडीज पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप सबसे पहले आप इस तरह का कुछ डैशबोर्ड आपके सामने मिलेगा। तो यहाँ से आप हम पब्लिक यूजर है तो पब्लिक यूजर आप यहाँ पर अपना यूजर नेम डाल दीजिए। यूजर नेम आपका फोन नंबर रहता है जब भी आप साइन अप करते हैं। तो उसके बाद आपको SMS के जरिए एक पासवर्ड मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड यूटिलिटी का इस्तेमाल करके फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं और आपके SMS फोन पे एक SMS आएगा, वहां पर आपको पासवर्ड दिया जाएगा। तो उसके बाद आप यहां पर कैप्चा फिल करेंगे, ये कैप्चा आप एज इट इज फिल करेंगे, अदरवाइज आप वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम यहां पर लॉगिन हो जाते हैं। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। यहां से आप क्लिक हियर टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक हियर टू कंटिन्यू करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको आपका नाम देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वर्कर्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे कर्सर लेंगे आपके सामने तीन ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन में आपके लास्ट में एक ऑप्शन आता है लेबर ई कार्ड, तो इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने लेबर कार्ड ऑनलाइन जो है वो शो किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबर आईडी कार्ड, बाकी की डिटेल्स यहाँ पर हाइड कर रहे हैं, वो आपको नहीं दिखा सकते ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस। तो इस तरह से आप दोस्तों यहाँ पर लेबर कार्ड ऑनलाइन ले सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंट निकालना है तो आप सिंपली यहाँ पर प्रिंट वाले आइकन पे क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।